राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस और 121 आरएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलका लांबा को दी बड़ी जिम्मेदारी, जिग्नेश मेवाणी स्क्रीनिंग कमेटी में हुई शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी बीजेपी की धड़कनें, जेपी नड्डा के नेतृत्व में पंचकुला में निकलेगा भव्य रोड शो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, सीएम सुक्खू आज करेंगे नाहन का दौरा, 225 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश आज जाएंगे बलिया, स्वर्गीय राजमंगल यादव के परिवार से मिलकर करेंगे शोक प्रकट। लखीमपुर से गुजर रही कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ में 6 जनवरी को समापन, भव्य स्वागत की तैयारी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुनवाई आज, सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने झोंकी ताकत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई, अस्पताल पर चला बाबा का बुलडोजर। उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी, कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी में शीतलहर तेज। ईरानी नेताओं ने विस्फोट का बदला लेने का लिया संकल्प, राष्ट्रपति रईस ने कहा सुरक्षा बल तय करेंगे एक्शन की तारीख। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले विपक्ष के तीखे तेवर, बीएनपी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन अस्पताल में भर्ती, नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में इलाज जारी। अमेरिकी अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर का प्लेन क्रैश में निधन, हादसे के कारणों की जांच कर रही पुलिस। सोमालिया तट पर हाईजैक जहाज में सवार सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, अरब सागर में 4 युद्धपोत तैनात। आरबीआई ने केवाईसी के लिए राजनीतिक व्यक्तियों की परिभाषा को किया संबोधित, कर्ज और लेन देन में मिलेगी सहूलियत। दूसरे कारोबारी सत्र में भी जारी रहेगी भारतीय करेंसी में तेजी, डॉलर के मुकाबले उछला रुपया। यूपीआई ने दिया लोगों को नया अपडेट, जल्द शुरू होगी यूपीआई की नई सर्विस, आपको मिलेगा ये लाभ। अमीरों की टॉप लिस्ट में शामिल हुए गौतम अडानी, बिजनेसमैन को छोड़ा पीछे। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे चलाएगा अतिरिक्त ट्रेनें, बिहार और यूपी के लोगों को होगा इसका फायदा।